सभी बच्चों का स्वागत है वाई टू कोचिंग क्लासेस में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और साथ के साथ हमने वहाँ पे एक्सरसाइज 4.1 को भी सॉल्व किया था। तो देखिए, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप उस पार्ट को देख लीजिए, क्योंकि इस पार्ट के बेसिक कंसेप्ट को भी मैंने उसी वीडियो में कवर किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को, एक्सरसाइज 4.2। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन दी है, देखिए y बराबर 3x + 5, है ना। अब हमें पता है ये जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन है ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो वेरिएबल है हमारे पास, वेरिएबल कितने हैं हमारे पास, दो वेरिएबल है, एक y वेरिएबल है और एक x वेरिएबल है, ठीक है। और यहाँ पे पावर चेक कर लीजिए, पावर कितनी है यहाँ पे y की, 1 है, और यहाँ भी कितनी है, 1 है। तो ये हो गई हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब हमने इसके कॉन्सेप्ट्स में ऑलरेडी पढ़ लिया था कि जो इससे सॉल्यूशन मिलता है वो मिलता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, है ना। तो इसका ऑप्शन हो जाता है थर्ड, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो यहाँ पे देखिए हमें 4 सॉल्यूशंस बताने हैं इन इक्वेशंस के। तो सबसे पहले इक्वेशन है हमारे पास 2x + y, ठीक है, पहले इसे लिख लेते हैं। ये होता है हमारा 2x + y = 7, है ना। अब हमें यहाँ पे 4 सॉल्यूशन बताना है। सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे वेरिएबल की वो वैल्यू, यानी x और y की वो वैल्यू जिसमें हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है अच्छे से। तो देखिए यहाँ पे x और y की वो वैल्यूज पुट करनी है जिससे हमारा RHS और LHS दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे, है ना। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे इसका सबसे सिंपल तरीका क्या है, यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर लीजिए। देखिए x की वैल्यू 1 पुट कीजिए तो y कितना आएगा हमारे पास, यहाँ पे y आ जाएगा मेरे पास 5, है ना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पुट कीजिए x की वैल्यू को, ऊपर पुट करेंगे आप तो यहाँ पे आएगा 2 + 5 = 7। तो देखिए ये हमारा एक सोल्यूशन हो गया, है ना, ये पहला सोल्यूशन हो गया। दूसरा सोल्यूशन निकाल लीजिए। दूसरा सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू को आप 2 पुट कर दीजिए, है ना। तो x की वैल्यू को 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू देख लीजिए क्या आएगी, यहाँ पे ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, y की वैल्यू 3। तो देखिए ये आ गया हमारे पास दूसरा सोल्यूशन। अगर आप इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे इक्वेजन में तो देखिए LHS जो है RHS के बराबर आएगा, दैट मीन्स ये हमारा सोल्यूशन होगा, है ना। अब देखिए तीसरा सोल्यूशन निकालना है आपको, x की वैल्यू आप रख दीजिए 3, सही है। आप रेंडमली यहाँ पे कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, है ना, कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं यहाँ पे। तो y कितना आएगा मेरे पे, y आ जाएगा मेरे पे 1 आ जाएगा, है ना। तो ये मेरा आ गया तीसरा सॉल्यूशन। अब देखिए चौथा सॉल्यूशन क्या होगा, चौथा सॉल्यूशन निकालने के लिए आप x की वैल्यू को 4 रख दीजिए तो ये कितना आ जाएगा, 2 × 4 = 8, और y की वैल्यू आ जाएगी -1, है ना। तो ये आ गया मेरा चौथा सॉल्यूशन, है ना। तो 4 सॉल्यूशन निकालने थे, हमने निकाल लिए बड़े इजीली। उसी तरीके से देखिए सेकंड क्वेश्चन को देखिए आप, सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारा πx + y = 9, है ना। अब यहाँ पे देखिए फिर से आप रख दीजिए यहाँ पे x की वैल्यू को 1, है ना। या तो देखिए इसका सबसे बेस्ट तरीका यह है, एक बार x की वैल्यू को आप 0 रख दीजिए और एक बार y की वैल्यू को 0 रख दीजिए, है ना। तो देखिए x की वैल्यू को आप 0 रखेंगे यहाँ पे तो y कितना आ जाएगा मेरे पे, 9, सिंपल। देखिए यहाँ पे LHS बराबर RHS हो जाएगा। उसी तरीके से देखिए आप यहाँ पे y की वैल्यू को एक बार 0 रख दीजिए, जब आप y की वैल्यू को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पे, 9/π आ जाएगी। अगर आप इसको रखेंगे ऊपर तो ये LHS बराबर RHS आने वाला है। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका ये है, दो सॉल्यूशन निकालने का तरीका तो यह है, एक बार आप x को 0 रख दीजिए, एक बार आप y को 0 रख दीजिए, है ना। अब बाकी सॉल्यूशन आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। देखिए x की कोई और वैल्यू चूज कर लीजिए आप, कोई भी रह सकते हैं, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, है ना। तो मैंने सपोज कर लिया x की वैल्यू को मैं 1 रख देता हूँ फिलहाल, है ना। तो y कितना आ जाएगा मेरे पास, y आ जाएगा मेरे पास 9 - π, सिंपल। तो ये मेरा तीसरा सॉल्यूशन आ गया। अब चौथा सॉल्यूशन निकालना है, x की वैल्यू को 2 रख दीजिए, सिंपल। x की वैल्यू को 2 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, y की वैल्यू आ जाएगी 9 - 2π। और सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं आप, यहाँ पे 4 ही सॉल्यूशन पूछ रहा है ना। फिफ्थ सॉल्यूशन निकालना है, x की वैल्यू को 3 रख दीजिए, x की वैल्यू को 3 रखेंगे ये आ जाएगा 9 - 3π, है ना। और निकालना है आपको, और निकाल लीजिए, x की वैल्यू 4 रख दीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा
9 माइनस 4 पाई, सिंपल। ऐसे करके आपको अलग अलग सॉल्यूशन मिलते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आप कितने सारे सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में जो था हमारा, यहाँ पे ये पूछ रहा था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। तो देखिए यहाँ पे दो वेरिएबल है हमारे पास, वाई और एक्स, है ना। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास x बराबर 4y। अब देखिए मैंने बताया था आपको सिंपल एक तरीका, x की वैल्यू को आप जीरो रख दीजिए तो y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी मेरे पास, यहाँ पे y की वैल्यू भी जीरो आ जाएगी, है ना। तो एक सॉल्यूशन तो ये हो गया सिंपल। दूसरा सॉल्यूशन क्या हो सकता है आपके पास, देखिए अब आप यहाँ पे देखिए RHS को देखिए, RHS ये है मेरा, है ना। यहाँ पे देखिए y की वैल्यू मैं पुट करता जाऊँगा तो मुझे x मिलता जाएगा, सही है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, y की वैल्यू को रखता जाऊँगा, x मेरे को मिलता जाएगा। तो y की वैल्यू आप 1 रख दीजिए यहाँ पे, तो x कितना हो जाएगा मेरा यहाँ पे, x हो जाएगा मेरा यहाँ पे 4। y की वैल्यू को आप 2 रख दीजिए, सही है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। y की वैल्यू को आप 3 रख दीजिए तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। देखिए सारे के सारे जो हैं इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है, दोनों LHS बराबर RHS प्रूव कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या होगा, इसके फोर्थ सॉल्यूशन हो गए। आप और भी निकाल सकते हैं। तो इन इक्वेशंस के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो होते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 3 बोल रहा है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन एक्स माइनस 2y इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि ये जो पॉइंट्स हैं हमारे x और y, ये अब इक्वेशन के सॉल्यूशन है या नहीं है, है ना। तो पहले मैं लिख देता हूँ इक्वेशन को, x माइनस 2y बराबर 4। अब देखिए पहला जो है वो है हमारा पॉइंट 0, 2, है ना। यानी x हो गया हमारा 0 और y क्या हो गया हमारा 2। तो देखिए यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ आपको। x कितना हो गया मेरे पास, x हो गया मेरे पास 0 माइनस 2 इंटू वाई कितना है मेरे पास, y हो गया 2, सही है। तो ये देखिए LHS क्या आ रहा है मेरे पास, यहाँ पे आएगा 0 माइनस 4, तो ये आ जाएगा माइनस के 4। तो LHS कितना आ गया मेरा, माइनस 4। और यहाँ पे देखिए ये कितना है 4, तो ये इसके बराबर है नहीं है बराबर, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, सिंपल, है ना। उसी तरीके से आप सेकंड वाले को चेक कर लीजिए। सेकंड वाले को चेक करेंगे, x की वैल्यू है यहाँ पे 2 और y की वैल्यू कितनी है मेरे पास 0। तो इसको इक्वेशन में रख दीजिए, x माइनस 2y बराबर 4। अब देखिए यहाँ पे LHS में पुट कर दीजिए इसे, अगर ये 4 आता है तो ये इसका सॉल्यूशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो x की वैल्यू हो गई 2 माइनस 2 इंटू 0, तो ये कितना आ रहा है मेरे पास, ये आएगा 2। तो 2 इज इक्वल टू 4 नहीं, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, सिंपल। सेकंड भी इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, फर्स्ट भी इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। अब देखते हैं थर्ड वाले को चेक कर लेते हैं। थर्ड है हमारा x बराबर 4 और y बराबर कितना है मेरा 0, ठीक है। और इक्वेशन है हमारे पास x माइनस 2y बराबर 4, x की वैल्यू हो गई 4 माइनस 2 इंटू 0, सही है। तो ये कितना आएगा मेरे पास, 4 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 4। अब देखो यहाँ पे 4 आ रहा है ना, LHS बराबर RHS आ रहा है, तो इसका मतलब जो है ये इसका सॉल्यूशन होगा, तो थर्ड वाला इसका सॉल्यूशन होगा। फोर्थ को चेक कर लीजिए, सिंपल है बहुत, आपको वैल्यूज पुट करनी है बस और कुछ नहीं करना। x बराबर रूट 2 और y बराबर कितना है मेरे पास, 4 रूट 2, है ना। तो देखिए x माइनस 2y यहाँ पे रख दीजिए, LHS ले रहा हूँ, x कितना है मेरे पास रूट 2 माइनस 2 इंटू y कितना है मेरे पास 4 रूट 2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, रूट 2 माइनस 4 टू ज 8 रूट 2, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस के 7 रूट 2। तो ये 4 के इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। अब देखिए लास्ट वाला चेक कर लीजिए, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं इसे, x माइनस 2y इक्वल टू 4, LHS ले लेंगे इसका, तो LHS कितना हो जाएगा, x माइनस 2y यहाँ पे पुट कर दीजिए, x की वैल्यू हो गई 1 माइनस 2 इंटू 1, तो ये कितना आ रहा है 1 माइनस 2, ये आ रहा है माइनस 1, तो ये 4 के इक्वल तो आ ही नहीं रहा है, तो ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, है ना। तो इसमें से सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, कौन सा, ये होगा हमारा थर्ड नंबर। तो थर्ड वाला ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा, है ना, थर्ड वाला इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। तो
तो ये इसका लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट से कर लेते हैं इसको। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x बराबर 2 y इज इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो मैं इक्वेशन को लिख देता हूँ यहाँ पे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू के। अब यहाँ पे देखो साफ साफ बोल रहा है x इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1, ये जो है इसका सॉल्यूशन है, सही है। दैट मीन्स अगर मैं x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 रखता हूँ तो LHS बराबर RHS आएगा ही आएगा, इसका ये मतलब है। बस आपको यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है और K की वैल्यू आपको मिल जाएगी, सिंपल है ना। तो यहाँ पे देखिए पुट कर दीजिए, X की वैल्यू रख दीजिए 2 प्लस 3 Y की वैल्यू रख दीजिए 1, है ना। और ये किसके बराबर आएगा, K के बराबर। तो ये हो गया 2 2 4 और 3 1 3 इज इक्वल टू के, तो ये आ गया 7 इज इक्वल टू के। तो यहाँ पे K की वैल्यू आ गई 7, सिंपल है ना, क्योंकि हमें ये ऑलरेडी बोल रहा है कि x इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 जो है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है तो ये LHS बराबर RHS आएगा, सिंपल है ना। तो यहाँ से आपको k की वैल्यू मिल जाएगी, तो k की वैल्यू कितनी है 7, है ना। अब यहाँ पे पुट करके देख लीजिए, क्रॉस चेक कर लीजिए आप, ये कितना है x, कितना है मेरे पे 1, और ये कितना है 2 और ये है 1, तो ये कितना आएगा 7 के बराबर ही आने वाला है। तो k की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, 7 होगी। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।